आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ चिकन फ्राई की परफेक्ट रेसिपी। अगर आपकी फ्राई चिकन अंदर से कच्ची रह जाती है या फिर ओवर फ्राई करने की वजह से बहुत ज्यादा अंदर से ड्राई हो जाती है, तो आप मेरे तरीके से ये परफेक्ट चिकन फ्राई बनाइए। अंदर से बिल्कुल नरम मुलायम, जूसी और बाहर से क्रिस्पी बनकर तैयार होती है। चिकन मैरिनेशन का ये तरीका आपने अब तक कहीं नहीं देखा होगा। अगर मेरी वीडियो अपलोड करने के बाद कोई और वीडियो बनाकर अपलोड करता है तो वो एक अलग बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये मैंने 1 kg चिकन लेग पीसेस लिए हैं, जिन्हें चिकन गोल्डन पीसेस भी कहा जाता है, जिन्हें धोकर मैंने थोड़ी देर स्ट्रेनर में छोड़ दिया था ताकि इसमें से पानी बहुत अच्छे तरीके से निकल जाए। अब इस तरह फोर्क की मदद से बोन के किनारे किनारे से स्टेप करेंगे। इस तरह क्या होगा, चिकन भी बहुत अच्छे तरीके से मैरिनेट हो जाएगी और दूसरा हड्डी के किनारे किनारे से कच्ची नहीं रहेगी। अगर आपके पास मीट फोर्क मौजूद है तो मीट फोर्क की मदद से भी स्टेप कर सकते हैं और छुरी की नोक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैं बड़े साइज के लेग पीसेस का इस्तेमाल कर रही हूँ। अमूमन ऐसा होता है कि लेग पीसेस या चिकन पीसेस के छोटे पीसेस इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि चिकन अंदर से गल सके, लेकिन जो आज मैं आपको तरीका बता रही हूँ, अगर आप इस तरीके से चिकन बनाते हैं तो फिर आपको छोटे पीसेस लेने की जरूरत नहीं है और ना ही बड़े पीसेस को फ्राई करने से पहले स्टीम करने की जरूरत है। बस इसी तरह से तमाम चिकन लेग पीसेस को तैयार कर लेंगे, इन पर कट लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने ये तमाम लेग पीसेस स्टेप करके तैयार कर लिए हैं। मैंने ये बोल में 2 tablespoon नमक शामिल किया है और ये 3/4 teaspoon बेकिंग सोडा और ये 1/4 cup सफेद सिरका। अब तमाम चिकन को इस सॉल्यूशन में शामिल कर देना है और स्पैचुला की मदद से अच्छे तरीके से कोट कर लेना है। कोट कर लेने के बाद इसमें इतना पानी शामिल करना है कि चिकन मुकम्मल तौर पर डूब जाए, तो मैंने इसमें ये 2 cup पानी शामिल किया है। पानी शामिल कर लेने के बाद तमाम अज़ा को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि सोडा नमक वगैरह यकजान हो जाए। अब बोल को कवर करके चिकन को तकरीबन आधा घंटा पानी में मैरिनेशन के लिए रहने देते हैं और इतनी देर में हरी चटनी और रायता तैयार कर लेते हैं। तो ये मैंने तकरीबन 1 cup हरा धनिया लिया है और 1/4 cup पुदीने के पत्ते लिए हैं और ये 1 छोटा टमाटर लिया है, 4 से 5 जवे लहसुन के और ये 5 से 6 हरी मिर्चें। तमाम अज़ा को ग्राइंडर जार में शामिल किया है। 1/2 teaspoon या हसबे ज़ायका नमक, 1 teaspoon भुना कुटा ज़ीरा, 1 tablespoon लेमन जूस शामिल किया है। लेमन जूस की वजह से चटनी का कलर हरा रहता है, यानी कि खराब नहीं होता। मैंने तकरीबन 1/4 cup पानी शामिल करके चटनी को पीस लिया है। ये मैंने 3/4 cup फिटा हुआ दही लिया है और इसमें ये मैंने सिर्फ 1/2 teaspoon इंस्टेंट रायता मसाला शामिल किया है, जिसकी रेसिपी आप ऊपर आई बटन क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। चिकन ब्राइन हो गया है, यानी कि चिकन को पानी में सोक किए हुए आधा घंटा हो गया है। तमाम अज़ा को मिक्स कर लेते हैं। अगर बोल के तले में नमक मौजूद होगा तो वो पानी में मिक्स हो जाएगा। अब बोल में मौजूद पानी मुकम्मल तौर पर फेंक देना है। आप देख सकते हैं चिकन भी बहुत अच्छे तरीके से साफ सुथरी हो गई है, यानी कि इसमें से एक्स्ट्रा ब्लड बिल्कुल निकल गया है। अब इसमें मसाले शामिल करना शुरू करते हैं। 1/2 teaspoon लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है, 1/2 teaspoon पिसी हुई लाल मिर्चें, 1 teaspoon कुटी हुई लाल मिर्चें, 1/2 teaspoon हल्दी पाउडर, 1 teaspoon भुना कुटा जीरा, 1/2 teaspoon भुना कुटा साबुत धनिया, 1/2 teaspoon गरम मसाला पाउडर, 1/4 teaspoon अजवाइन, 1 teaspoon पिसी हुई काली मिर्चें, 1/2 teaspoon चिकन पाउडर, 2 से 3 चुटकी ऑरेंज फूड कलर शामिल किया है। अब इन तमाम अज़ा को चिकन पर बहुत अच्छे तरीके से कोट कर लेना है। जिस तरीके से मैं चिकन बना रही हूँ, चिकन के अंदर नमक भी बहुत अच्छे तरीके से पेनिट्रेट हो जाता है और चिकन अंदर तक नमकीन बनकर तैयार होती है, तो मजीद नमक शामिल करने की जरूरत नहीं है। अगर आप नमक थोड़ा तेज पसंद करते हैं तो हसबे ज़ायका नमक शामिल कर लीजिएगा। अब बोल को कवर कर देते हैं और 10 से 15 मिनट चिकन को मैरिनेट होने देते हैं। 10 से 15 मिनट मैरिनेट कर लिया है। अब इसमें ये चना अज़ा शामिल कर लेते हैं। 1/2 tablespoon बेसन शामिल किया है और 1/2 tablespoon ही मैदा शामिल किया है और ये 1 tablespoon चावल का आटा। अब इन्हें चिकन पर कोट कर लेना है। बेसन वगैरह शामिल करने से मसाला अच्छी तरह चिकन पर कोट हो जाता है और चिकन क्रिस्पी बनकर तैयार होती है। अब ये चिकन लेग पीसेस फ्राई करने के लिए तैयार हैं।
दूसरी तरफ ऑयल को मीडियम फ्लेम पर तेज गरम किया है। आपने चिकन को डीप फ्राई करने के प्रोसेस को ठीक तरीके से फॉलो करना है। इस वक्त फ्लेम को मैंने मीडियम ही रखा हुआ है। पैन की गुंजाइश के हिसाब से चिकन पीसेस शामिल किए हैं। अब इसी तरह चिकन को 2 मिनट मीडियम फ्लेम पर फ्राई होने देंगे। 2 मिनट मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेने के बाद चिकन को पलट लेना है। तमाम चिकन पीसेस को पलट लेने के बाद मज़ीद 2 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकाना है। अगर आपने शुरू में ही फ्लेम को लो की तरफ किया तो चिकन क्रिस्पी बनकर तैयार नहीं होगी और तमाम कोटिंग उतर जाएगी। 2 मिनट मज़ीद पका लेने के बाद फ्लेम को मीडियम टू लो कर लेना है और अलट पलट करते हुए चिकन को पकाना है। आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ 4 मिनट चिकन को पकाया है और मीट बोन से सेपरेट होना शुरू हो गया है, यानी कि ये चिकन बहुत जल्दी से फ्राई होकर तैयार हो जाता है। टोटल चिकन को 7 से 8 मिनट फ्राई होने में लगते हैं। मैंने चिकन को 8 मिनट फ्राई किया है। आप देख सकते हैं कि मीट किस तरीके से बोन से सेपरेट हो रहा है, यानी कि चिकन बहुत अच्छे तरीके से गल गया है। अब चिकन को निकाल लेना है। बाकी चिकन पीसेस को भी सेम प्रोसेस से फ्राई कर लेना है। आप मेरे तरीके से ये चिकन फ्राई ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सबका दस्तरखान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।